turn it on. Hey guys, welcome to my YouTube channel. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर गाड़ी, हर स्कूटी, हर बाइक में आती ही है टाइम के साथ. तो और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिससे हम लोग बच भी बहुत कम सकते हैं. अब ये है मेरी एक्टिवा 125 जो कि 3 साल पुरानी है. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो उसका ग्रैब बार है, इसका पेंट जगह जगह से उखड़ सा गया है और मतलब ख़राब हो गया है. कहीं कहीं जगह पर बहुत डीप स्क्रैचेस भी हैं. तो आज हम इसे इस वीडियो में पेंट करने वाले हैं और मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एक प्रोफेशनल फिनिश घर पर ही पा सकते हो. तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे पेंट करेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गहरा स्क्रैच है, इसे हमें सैंड डाउन करना पड़ेगा. और ये यहाँ से कुछ ब्लैक पेंट है जो अंदर से निकल रहा है. एक्चुअली मैं इसको पहले पेंट करा चुका हूँ और उस टाइम मैंने इसको ब्लैक में पेंट करवाया था, पर वो मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया और वो ढंग से हुआ नहीं था, तो उसके ऊपर हमने दोबारा सिल्वर करा दिया था. और यार देखो, कंपनी में भी ऐसे काम होते हैं तो बंदा कहाँ जाएगा. अब जो स्प्रे पेंट मैं लेके आया हूँ वो है क्यूब कंपनी का स्प्रे पेंट और ये आपको किसी भी ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट शॉप पे मिल जाएगा आसानी से. और 100 रुपीज़ की आती है ये बॉटल. और जो अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो है सैंड पेपर. तो मैं 2 ग्रेड के सैंड पेपर लाया था, एक 400 ग्रेड का. ये हमें तभी यूज़ करना है जब हमारे पेंट के ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है सूखने के बाद. और 220 ग्रेड के सैंड पेपर से हमें इसे पूरा सैंड डाउन करना है और एक इवन फिनिश हमें मिले, ऐसा हमें कोशिश करनी है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इस सैंड पेपर जो 220 ग्रेड का जो सैंड पेपर था उसे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अब देखो यार सारा एक साथ यूज़ करोगे ना तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा. और ये है मतलब सोप सॉल्यूशन, मतलब इसमें मैंने शैम्पू मिला लिया था. तो अब इसको हमें मतलब या तो आप इसे सूखा मार लो, सूखा मारने के बाद आप इसको एक बार गीले करके मारोगे ना तो एकदम इवन फिनिश हमें मिल जाएगी. अब देखो यार, कंपनी में काम कराने के बाद भी बंदा इतना परेशान है. अब देख रहे हो, अब इसमें पुट्टी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इतने डीप स्क्रैचेस भी नहीं थे कि पुट्टी भरी जाए. थोड़ा सा सैंड डाउन करके एकदम इवन फिनिश आ सकती थी, क्योंकि ये अंदर से स्टील का होता है ना. ये एकदम मतलब एल्यूमिनियम कह सकते हो आप, इसका मटेरियल मुझे नहीं पता कौन सा होता है, पर ये एल्यूमिनियम फील होता है. और अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा घिस दोगे ना तो एकदम अंदर से शाइनी फिनिश आ जाती है. तो गाइस, ये है सैंड डाउन करने के बाद का व्यू और मैंने इसको अच्छे से एकदम सैंड डाउन कर दिया. अब देखो, जो ये जो शाइनी पार्ट आपको दिख रहा है ना, यही मैं इसी के बारे में बता रहा था. अगर आप इसे ज़्यादा घिस दोगे ना, ज़्यादा सैंड डाउन कर दोगे तो ये अंदर से एकदम शाइनी आ जाता है. और इसके ऊपर जब आप उंगली अपनी रफ़ करोगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी उठा हुआ फील नहीं होना चाहिए. अगर आपको ये उठा हुआ फील हो रहा है ना, इसका मतलब आपको और ज़्यादा सैंड डाउन करने की ज़रूरत है. अब जो नेक्स्ट काम आपको करना है ना, वो ये है कि आपको पूरी की पूरी स्कूटी अपनी ढक देनी है न्यूज़पेपर से, क्योंकि आपको जो ओवर स्प्रे है ना, मतलब वो स्कूटी को ख़राब कर सकता है. तो इसलिए ना इसको ढक लो तो बेटर रहेगा. मतलब ये छूट जाता है पर फिर भी यार मतलब रिस्क क्यों ही लेना है ना, तो इसलिए पूरी गाड़ी को अच्छे से ढक लेना. अब देखो, ये वाला जो स्प्रे कैन है ना, इसका करने का तरीका ये है कि आपको इसको ना पेंटिंग सरफेस से 5 सेंटीमीटर नाप के, या फिर अपना एक हैंड का डिस्टेंस इतना, मतलब एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए है ना, इतनी दूरी से आपको इसको पेंट करना है. और दबा के नहीं रखना है, अगर आप इसको दबा के रखोगे तो मतलब वो एक ही जगह पे वो सारा टपकने लगेगा, अजीब सा लगेगा है ना. तो देखो, आपको ऐसे नाप लेना, एक इतनी दूरी से आपको उसको स्प्रे करना है. देख रहे हो, ये देखो बस ऐसे करके आपको ये धीरे धीरे पूरा स्प्रे कर, अगर आप दबा के रखोगे फिर वो ड्रिप करेगा. Do me in
much you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. A few minutes later. तो अभी हमने इसमें फर्स्ट कोट मार लिया है और जैसा कि आप देख रहे हो फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, मतलब मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर लूँगा। अब हम इसे 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक सेकेंड कोट लगाएंगे ताकि फिनिश और ज़्यादा अच्छी हो जाए। 20 minutes later. Hey guys, तो ये फिनिश हो चुका है और आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया फिनिश आई है। सेकंड कोट के बाद और भी ज़्यादा शाइन आ गई है और एकदम बढ़िया हो गया, नया हो गया ये। तो यही वो सारे स्टेप्स हैं जिससे आप लोग एकदम प्रोफेशनल फिनिश घर पर ही पा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।